फ्रेंड्स, हम सारी गर्ल्स ना हमेशा अपना बेस्ट लुक ही चाहती हैं और ऐसे में काफ़ी ज़्यादा टाइम एंड एफर्ट लगता है। बट कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं ना जिसमें हमारा टाइम बिल्कुल नहीं लगता बट हमारा लुक बहुत अच्छा आता है, तो ऐसे कौन से प्रोडक्ट हैं? हेलो एवरीवन, मैं हूं नीहा और स्वागत है आप सबका फैंडी फैशन हिंदी में। एंड आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूं कुछ टाइमलेस प्रोडक्ट की जिसमें समय लगेगा इतना लेकिन लुक आएगा बिल्कुल फ्लॉलेस, और ये सारे प्रोडक्ट आपको हमेशा ही काम आएंगे। तो चलिए बिना देरी लगे इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्ट। तो मैं बात करूंगी सबसे फर्स्ट प्रोडक्ट की जो कि काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है अभी भी, और वो है हेडबैंड का। कि हेडबैंड आप लगाइए अपने साड़ी के साथ, लहंगे के साथ, सूट के साथ, कमाल का लुक आता है। बट उसे लगाने में थोड़ा टाइम एंड एफर्ट तो डेफिनेटली लगता है, क्योंकि चेन में होता है, पीछे आपको चेन लगानी होती है, आपको क्लिप्स लगाने होते हैं, उसे बिल्कुल स्टिक रखने के लिए बहुत सारी चीज़ें आपको करनी होती है, हेयर पिंस लगाने होते हैं, और कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों में क्या होता है, टाइम लगता है। तो इसका चुटकी में एक मैं सॉल्यूशन लेकर आई हूँ, एंड वो है हेडबैंड ज्वेलरी है लेकिन हेयर बैंड में, यानी कि आपको कोई भी क्लिप, कोई भी हेयर पिन लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये पूरा का पूरा हेयर बैंड बस आप उठाओ और इसे आप इस तरह से लगा लो, सिर्फ सेकंड्स में आपको एक हेडबैंड वाला लुक मिल जाएगा और एफर्ट बिल्कुल जीरो। तो इस तरह के जो प्रोडक्ट होते हैं ना बिल्कुल टाइमलेस होते हैं, एंड ये जो प्रोडक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा प्यारा है। ये पूरी की पूरी जो ज्वेलरी है वो एक्चुअल में बहुत ही अच्छी क्वालिटी की है। सबसे अच्छी बात कि ये आपको लुक देगा बिल्कुल हेडबैंड वाला लेकिन हेयर बैंड की स्टाइल में। इस तरह के हेयर बैंड जरूर रखें जो कि आपको हेडबैंड का लुक मिनटों में नहीं बल्कि सेकेंड्स में दे दे। बात करती हूँ नेक्स्ट प्रोडक्ट की, और वो ये है कि हम सारी वुमेन ना जब भी कुछ इथनिक पहनती है तो हम क्या करती हैं, हम जूड़ा बनाती हैं, और जूड़ा में क्या होता है, काफ़ी एफर्ट लगता है। बट यदि मैं आपसे कहूँ कि जो जूड़ा है वो सेकंड्स में बन जाएगा तो कैसा रहेगा? अब आप बोलोगे नेहा जूड़ा सेकंड्स में कैसे बनेगा? इस प्रोडक्ट के कारण। बस अपने बाल को इस तरह से रैप करो, एक यहाँ पर आपको लगाना है हेयर बैंड, और उसके बाद ये जो प्रोडक्ट है ना, सी बस ये क्लचर ही है, इस तरह से ऐसे डालो, मैजिक, बस आपका ये बन गया जूड़ा, और बिल्कुल सेकंड्स में। आपको कुछ भी नहीं करना, आप बस आगे से थोड़ा बहुत फ्लैक्स वगैरह निकाल लो, लेकिन देखो पीछे इतना बड़ा जूड़ा आपका बन गया है, वो भी बिना किसी एफर्ट के, तो और क्या चाहिए। मुझे ये जो पूरा का पूरा जूड़ा है ये मुझे बहुत अच्छा लगा। सबसे अच्छी बात, कोई एफर्ट नहीं है यार, सेकेंड्स में बन जाएंगे। तो इस तरह के प्रोडक्ट अगेन अपने पास रखिए जो कि बिल्कुल टाइमलेस है, और देखने में इसका लुक बिल्कुल रियल आएगा। इसके ऊपर चाहे तो आप गजरा भी लपेट सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू, बट ये प्रोडक्ट आपके टाइम को बहुत सेव करेगा। अब बात करती हूँ नेक्स्ट प्रोडक्ट की, एंड डेट इज़ आई सैडो। आई सैडो अपने आप में एक थोड़ी सी स्किल वाली चीज़ होती है। यदि आपको नॉर्मल सिर्फ क्रीज करना है तो आप हाथ से बस ऐसे कर लो, बट यदि आपको थोड़ा सा सिमरी इफेक्ट चाहिए तो थोड़ा सा सोचना होता है कि हम अपना आई सैडो किस तरह से लगाएं, और इस काम को बिल्कुल आसान कर दिया है रेने ने। और यहाँ पर है ये तीनों सेड, और मैं आपको दिखाती हूँ, सी ये तीनों सेड जो है वो बिल्कुल सिमरी सेड है, न्यूट्रल कलर है। नीचे से पुल करो एंड ऊपर डालो उस तरह से, एंड ये जो आप देख रहे हो ना इसका देखो कलर, सी काफ़ी शाइनी है। आपको कुछ नहीं करना है, बस अपने आई लीड में इसे आराम से आप चला लीजिए, पूरी की पूरी आई लीड में, और मिनटों में नहीं बल्कि सेकेंड्स में आपकी आई लीड के ऊपर काफ़ी प्यारा सिमरी आई शेडो लग जाएगा। इस तीनों में से आप कोई भी कलर यूज कर सकते हो क्योंकि तीनों न्यूट्रल सेड है, और आराम से आपके सारे आउटफिट के साथ जाएगा। तो आप देखो बिना एफर्ट के एक सिमरी आई शेडो आपको आराम से मिल जाएगा। नेक्स्ट प्रोडक्ट की बात करते हैं, और वो है कि यदि हम गर्ल्स ना कहीं भी जाएँ, हम कुछ करवाएं चाहे ना करवाएं, हम अपने आईब्रो को हमेशा सेप में रखना चाहते हैं। यदि हमारा जो अपर लिप है यदि उसमें हेयर आते हैं तो हम उसे क्लीन रखना चाहते हैं। बट यदि हमें इमीडिएट कहीं जाना हो और हमने अपना आईब्रो सेप अप नहीं कराया है, अपना अपर लिप, फोरहेड, साइड लॉक्स नहीं करवाए हैं, तो हम क्या करेंगे, हम पार्लर जाएंगे, उतना टाइम लगेगा, एफर्ट लगेगा। तो इसका सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है, एंड वो है फेस रेजर। बहुत ही इजी है इसे यूज करना, एंड ट्रस्ट मी, मुझे ऐसा लगता है कि लॉकडाउन के बाद से लेकर अभी तक मैंने अपना आईब्रो नहीं बनवाया है। बहुत रेयरली यदि मेरे पास ये नहीं हो तो मैं बनवाई होंगी एक आध बार, बट मैं नहीं बनवाती हूँ क्योंकि इसने मेरा काम बहुत ही ज़्यादा आसान कर दिया है। मैं आपको दिखाती हूँ, इसमें कॉम्बो है, तीन रेजर है, एंड ये बहुत ईजी है यूज करना। सी
काफ़ी फाइन ये रेजर है, काफ़ी थिन है और इससे आप आराम से रिमूव कर सकते हो अपने जो भी आपके एक्स्ट्रा हेयर्स निकले हुए हैं। और देखिए ये कोई भी ना बहुत बड़ी बात नहीं है, ये कोई भी गर्ल्स कर सकती है। बस आप अपना एक नॉर्मल अपना आईब्रो शेप को फॉलो करो, इस तरह से पकड़ो, इस तरह से हैंडल इसका पकड़ो, ऐसे यहाँ पे पुल करो और बस यहाँ पे देखो सी स्वाइप करते जाओ और ये निकलता जाएगा। बहुत ही इजी है इसे यूज करना। इस तरह से आप अपने फोरहेड का आईब्रो शेप अप कर सकते हो, अपर लिप कर सकते हो, अपना साइड लॉक कर सकते हो एंड आपका काम जो बहुत ज़्यादा टाइम लेने वाला था पार्लर जाने के बाद, वो आपका काम मिनटों में हो जाएगा। नेक्स्ट प्रोडक्ट है कि जब भी हम अपने हेयर स्टाइलिंग पे जब भी ध्यान देते हैं और हमें लगता है कि हमें हेयर स्टाइलिंग में थोड़े से नग, थोड़े से पर्ल या बीड्स ऐड करने चाहिए, तो हम क्या करते हैं, हम लेते हैं यूपिन। यूपिन में डालते हैं कोई भी बीड्स या फिर मोती और उसको डाल के फिर उसे डालते हैं और उससे क्या होता है, सारी यूपिन में आपको पर्ल इंसर्ट करने होते हैं या फिर जो भी आप डिज़ाइंस मोती वगैरह चाहते हो वो आपको इंसर्ट करने होते हैं, देन आप उसमें डालते हो, तो टाइम काफ़ी लगता है ना। तो इसका भी अगेन मेरे पास सॉल्यूशन है और वो है सी, इस तरह से ये स्पाइरल वाले ये पर्ल और ये बहुत कमाल के हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। बस इस तरह से आपको घुमाना है, घुमा लिया आप, मान लो यहाँ आपने लगाया, बस घुमाते जाइए ताकि ये आपके बालों में अच्छी तरह से घूम जाए। सी बिना किसी एफर्ट के, बिना किसी यदि मैं कहूँ तो झंझट के और बिना किसी एक जो निकला हुआ रहता है ना उसके जो यूपिन के जो पिन होते हैं वो भी आपको कहीं ना कहीं हर्ट करते हैं, उससे आप बच जाओगे एंड आपको इस तरह से इतना प्यारा सा लुक आ जाएगा और ये मुझे बहुत अच्छा लगा, ट्रस्ट मी। बस इस तरह से घुमाओ 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 एंड यस टडा, मुझे ये बहुत प्यारा लगा है। अपना जो आगे यदि आप फ्रेंच ब्रेड बना रहे हो तो आप उसमें कर लो, यदि आप पोनी बना रहे हो एंड आगे आपको थोड़ा सा डिज़ाइन चाहिए तो आप इस पर्ल को थोड़ा सा गैप गैप में लगा लो तो बिल्कुल इंटरेस्टिंग सा लुक तैयार हो जाएगा। तो इस तरह के प्रोडक्ट को डेफिनेटली अपने पास रखिए, जो कि आपके टाइम को बिल्कुल नहीं लेगा लेकिन इफेक्ट बहुत अच्छा देगा। बात करती हूँ नेक्स्ट एंड आखिरी प्रोडक्ट की एंड अगेन ये जो प्रोडक्ट है ये आपके टाइम के साथ साथ आपके पैसे भी बचाएगा, क्योंकि जब भी हम लड़कियाँ नेल एक्सटेंशन करवाती हैं तो वो बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं, 1000 से तो स्टार्ट होता है, 1000 में बहुत कम ही बोल रही हूँ, 1500, 2000, 2500 काफ़ी ज़्यादा उस पर पैसे खर्च होते हैं। बट ये जो मैंने मंगाया है ये पूरा का पूरा नेल का सेट है 100 का। आप देखो इसमें भी 100 नेल्स हैं, इसमें भी 100 नेल्स हैं, यानी कि 200 नेल्स आपको मिल जाएंगे, साथ में आपको मिलेगा ग्लू। तो बस आपको क्या करना है ना, अपने नेल्स के अकॉर्डिंग या तो वाइट या तो ट्रांसपेरेंट, आपको जो सही लगे बस अपने नेल्स के अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर लो, उसे अपने नेल्स पे चिपकाओ, ऊपर से अपना मन चाहा नेल पेंट लगाओ और ये आपका इमीडिएट वर्क करेगा। आपको ज़्यादा पैसे खर्च करने की, ज़्यादा टाइम देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है एंड सच बताऊँ बहुत ही ईजी है इसे यूज करना। मैं यहाँ पर क्लिप भी अटैच कर रही हूँ, आप देख लो, आराम से आप इसे यूज कर सकते हो। स्टिक कर लो अपने नेल को, थोड़ा सा पहले फाइल कर लो देन फिर स्टिक कर लो, कोई भी पसंदीदा अपना नेल पेंट लगा लो, आराम से घूमो फिरो, खाओ पियो, जो करना है करो, आराम से ये 5 से 6 घंटे आपके नेल पे रहेगा। तो ये आपका सस्ता और टिकाऊ ऑप्शन है, तो आप इसके साथ भी डेफिनेटली जा सकते हो। सो फ्रेंड्स दैट्स इट, देखा ना आपने, ये सारी टाइमलेस प्रोडक्ट है जो कि आपके टाइम को बहुत ही कम लेगा लेकिन इफेक्ट बहुत ही अच्छा देगा। और ये सारे प्रोडक्ट जो है उसके लिंक मैंने नीचे डाल दिए हैं, तो आप जाके आराम से चेकआउट कर सकते हो। तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए और बताइए ये पूरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा एंड ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा या नहीं। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मैं जल्दी आप लोगों से मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर।